विधानसभा का गांव सुगलपुर कमेड़ा में, और यहाँ की महिलाएं मेरे साथ जुड़ गई हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि अब की बार 2022 का चुनाव कैसे चल रहा है, इस बारे में इनकी राय मैं इनसे लेना चाहता हूँ। अब की बार बताइए जी, आपका वोट आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अब की बार हम तो नलके कर रहे हैं जी। नलके को क्यों? उसकी सरकार हमें अच्छी लगी। हाँ, बीजेपी सरकार को अच्छी लगी आपको? अच्छी नहीं लगी, पढ़े लिखे बच्चे नहीं फिर रहे, किसी की भी नहीं नौकरी लग रही, जो काशगार है उनकी लग रही, गरीब की तो किसी की भी नहीं लग रही। हाँ, जब की बार जो 5 साल विधायक रहे हैं उसके बारे में मुझे बताइए, कभी आना जाना हुआ तो उनका? नहीं जी, यहाँ तो नहीं कोई अभी आया। जो बीजेपी के विधायक रहे प्रमोद उठवाल जी, ये आए थे जी, उन्होंने देखे भी आए। हाँ, ये आई ये सब योगी और मोदी नहीं है। 200 रुपये आप सरसों का तेल खरीद रहे हैं, घर का ऐसा लाभ आपका? ये तो महंगाई है जी, सही चल रहा है। महंगाई क्यों है? महंगाई है, आमदनी भी इतनी हो रही है, किसी के देख लो महंगाई हो रही, दिहाड़ी तो नहीं बढ़ा रही सरकार दिहाड़ी बढ़ाओ, दिहाड़ी भी तो बढ़ावा, गरीब आदमी को तो लाभ मिलना चाहिए इस दिहाड़ी का, इस महंगाई का। रसोई कैसे चल रही है आपकी? हमारी तो रसोई बेकार चल रही है, 400 रुपए का गैस मिला था, 950 का रखा तो बड़े गैस को आज ले जाओ, 1000 रुपए का गैस कौन भरवा सकता, मजदूर आदमी ये घर में लवा धरवा दिया और क्या। नहीं तो सरकार राशन फ्री दे रही है, उसके बारे में कुछ जानकारी बताओगे मुझे? नहीं, वो सरकार की मर्जी है, वो राशन फ्री क्यों दे रही है, किस वजह से दे रही है, क्या बात है, इस बात का हमें क्या मालूम है, राशन सरकार दे रही है, हम ले रहे। चुनाव की वजह से तो नहीं है कोई? नहीं, चुनाव की वजह से कुछ नहीं है, पिछले साल से जब से लॉकडाउन चला, कोरोना आया जब से चल रहा है राशन तो फ्री। डाल दाना गया रखा, डाल किसी को दिखाई नहीं दे रहा। चलो अच्छा, डाल डाल रखा है तो फ्री राशन का जो है, यहाँ की महिलाएं कह रहे हैं कि यहाँ फ्री राशन का जो है जाल डाल रखा है, इसमें फंसाना चाहते हैं लोग, इसके बारे में आप बताओ जी कुछ। क्या कहना चाह रहे हैं सामने आ भाई, भाई तुम और पार्टी में, हम और पार्टी में, वो तो चलता ही रहा, देखो हर जगह नेतागिरी में ये तो चलता ही रहेंगे, पर हम तो देखो जी इतनी बात है, जिस जगह हमारा परिवार रहेगा हम उस जगह रहेंगे। हमारे आपका परिवार कहाँ है? हमारा परिवार नलके की तरफ जी, अलीन विधायक की तरफ। हाँ जी, पहले भी अनिल विधायक को दिया होगा? हाँ, नहीं जी, पहले हमने मायावती को दिया, हम की झूठ बोला। अनिल विधायक आपका देंगे जी, अलीन विधायक को देंगे, आपका अनिल विधायक का सपोर्ट करेंगे जी, सभी महिलाएं अनिल विधायक को। हाँ जी, सबका आप? हाँ जी, अनिल विधायक नहीं है, बीजेपी सरकार। अच्छा, ये बताओ, सुनो मेरी बात, बीजेपी की बात चली है, 2013 से जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो राशन दे रहे हैं फ्री, वो कांग्रेस सरकार लाई थी, बीजेपी ने इसका विरोध करा था, आज बीजेपी फ्री क्यों बांट रही है, जरा बताओ। महंगाई बढ़ गई, महंगाई की वजह से फ्री बांट रही है? हाँ नहीं, चुनाव की वजह से लगातार चल रहा है राशन, हर महीने लगातार आ रहा है राशन। नहीं, 2013 से चल रहा है, 50 रुपए का सरसों का तेल 50 रुपए किलो मिला था, 200 रुपए किलो रहा, अब हम 200 रुपए सारा दिन में कमा रहे, 200 रुपए का हम तेल लेने का, हम क्या बचा लेंगे बताओ। रोजगार के बारे में आप मुझे बताओ, क्या योगी सरकार में कितना रोजगार मिला? 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, बता रहे जी। चार लड़के पुलिस में गए इस साल, अब तक कितनी, आज तक एक भी बालक नहीं पुलिस में गया, तुगलपुर के 4 बच्चे आप पुलिस में गए, तुगलपुर कमेड़ा में कितने बच्चे होंगे, कितनी जनसंख्या होगी? हमें तो ये पता कि पहले एक बच्चा नहीं गया, इस योजना में 4 बच्चे चले गए, 4,500 में से 4 बच्चे चले गए, क्या रोजगार मिला? जब एक भी नहीं था, 4 गए तो सही, कुछ तरक्की तो मिली, जो जाने लायक है वही तो गए बच्चे, मतलब सभी वैसे थोड़ी ना बच्चे, भाई जो जिन्होंने एक लड़का चुनाव आया था हमारी बिरादरी से ही, उसे एक नंबर से रख दिया भाई, बड़ी बिरादरी के जा रहे, उन्हें भी एक नंबर से रख सके, उसके पास पैसा नहीं बना, रख दिया लड़के को, वो लड़का नहीं रह गया, 4 लड़के और चले गए, भ्रष्टाचार चला है, रह गया लंबा, मारे बहिंगा का लंबा रह गया, हमारे मोहल्ले का, उसने इतनी पढ़ाई करा की, इतनी मेहनत करी, लोटा दिन रोता आया, अब बताओ तो हम क्या करते, योगी सरकार में भ्रष्टाचार चला, भ्रष्टाचार चल रहा जी, गरीब का बच्चा बताओ कौन नौकरी पे गया यहाँ से, इस गाँव में से इतने बच्चे फिर रहे, पढ़ाई का सारा नाश हो रहा, माँ बाप भी क्या करे, फिर उस दौरान को देख के फिर पढ़ लिख कर बेकार में फिर गरीब पढ़ाई नहीं जा रहे, कोरोना चल रहा, स्कूल बंद कर दिया, मास्टर भी बताओ, अब 3 महीनों के बच्चे घर बैठे हैं। ये महिलाएं राष्ट्रीय लोकदल को समर्थन कर रही हैं, बीजेपी को? आज हमारे हस्बैंड तो जी अभी योगी की रैली में गए, लड़की सुरक्षित है आज के जमाने में, सबसे ज्यादा मेन बात तो ये है, लड़की की
और तो मैं मानता हूँ सही है, लेकिन और तो रोजगार खत्म कर दिया। एक पढ़ा लिखा, सुनो, एक पढ़ा लिखा आदमी जो बिना ग्रेजुएशन कर लिया उसे बोलती है आपकी सरकार पकौड़े तलो। मैं इनसे पूछता हूँ, जिसने बीए कर लियो बीएससी कर लियो पकौड़े तलेगा? नहीं जी, कुछ दिन तल लगा। रोजगार चाहिए जी, बिल्कुल चाहिए। जबकि 200 रुपए किलो तेल में पकौड़े तल लगा के सब्जी बना लेगा अपने घर में। 8 दिन का हिसाब देखा, जिसका 5-4 रुपया लगा वो क्या एक दिन खा लेगा 200 रुपए के तेल को? वो अगला भी सोचेगा हमारे योगी जब नहीं। योगी सरकार ने रोजगार तो खत्म कर दिया, घर से घर में कहां से आएगा? जो कर ही रोजगार है वे तो कर ही रहे, वो तो कर ही रहे हैं भैया, जो कर रहे हैं बता, आप बताओ, जो नौ आदमी रह जाएंगे, जैसे आपको राशन दे रहे हैं एक बच्चे का, बाकी नौ आदमी कहाँ रह जाएंगे? नौ आदमी भूखे बैठ जाएंगे अपना, और क्या, जो कमाओगे तो खाओगे, नौ आदमी बच्चों का राशन क्या 2 महीने या 4 महीने चल जाएगा? ये थी मेरे साथ तो कलपुर कमेड़ा के महिलाएं, और ये पुरकाजी विधानसभा है। बहुत बहुत धन्यवाद।